निशांत देव युवा भारतीय बॉक्सर पेरिस 2024 ओलंपिक्स में निशांत मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बन सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। निशांत क्वार्टर फाइनल मैच में मेक्सिकन बॉक्सर से हारकर बाहर हो गए और इस फैसले पर बहुत बवाल मचा हुआ है। मेंस 71 किलोग्राम में निशांत को 4-1 से हार मिली। इस फाइट के दौरान निशांत पूरी तरह से डोमिनेट करते दिखे थे। पहले दो राउंड में उन्होंने मेक्सिकन बॉक्सर को खूब कूटा था, लेकिन अंत में उनके हिस्से हार आई और इस हार के बाद स्कोरिंग सिस्टम पर सवाल हो रहे हैं। ओलंपिक्स मेडलिस्ट विजेंदर सिंह और एक्टर रणदीप हुड्डा जैसे लोगों ने भी स्कोरिंग पर सवाल किए हैं। 2008 ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विजेंदर ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझे नहीं पता कि स्कोरिंग सिस्टम क्या है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बहुत क्लोज फाइट थी, वो बहुत अच्छा खेले, कोई ना भाई। वहीं रणदीप ने लिखा, निशांत ही जीते थे, मेक्सिकन को खूब कूटा, ये क्या स्कोरिंग है, मेडल छीन लिया गया लेकिन दिल जीत लिए, दुखद, अभी बहुत कुछ करना है छोरे। शूटर हिना सिद्धू ने इस पर लिखा, बेहतरीन खेल दिखाने के बाद निशांत देव को ऐसे निराश देखना दुखी करने वाला है। ये क्लोज फाइट थी और हमें लगा कि निशांत जीतेंगे, लेकिन जजेस के विचार अलग थे। निशांत ने क्वार्टर फाइनल का पहला राउंड बड़ी आसानी से जीत लिया था। पहले राउंड में निशांत पूरी तरह से कंट्रोल में थे, जबकि दूसरे राउंड में भी उन्होंने बढ़िया मुक्के मारे, लेकिन ये राउंड 3-2 से मेक्सिकन बॉक्सर के खाते में चला गया। और फिर आखिरी राउंड में तो सारे जजेस ने मेक्सिकन बॉक्सर को 10-10 पॉइंट्स दे दिए और इस तरह से निशांत के खाते में हार आई। पहले राउंड में निशांत मेडल से बस एक जीत दूर थे, उन्हें इस हार पर यकीन नहीं हो रहा था। 23 साल के निशांत वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, यहाँ भी उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। निशांत की हार के बाद पेरिस में भारत की आखिरी बॉक्सर लवलीना बची हुई थी। रविवार 4 अगस्त को वो भी ओलंपिक से बाहर हो गई, उन्हें नंबर 1 सीड ली क्यूएन से हार मिली। ये मुकाबला जीत लवलीना एक और मेडल पक्का कर लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनने से चूक गई। इससे पहले लवलीना को क्यूएन ने 2 मौकों पर हराया हुआ था। 2023 के एशियन गेम्स फाइनल में भी उन्हें क्यूएन ने ही हराया था। हालांकि 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में लवलीना ने क्यूएन को हराकर गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि वो यहाँ भी जीत सकती हैं। लवलीना ने बाउट की शुरुआत भी अच्छी की, लेकिन क्यूएन ने उन्हें हावी होने का मौका नहीं दिया। पहले राउंड में दोनों बॉक्सर्स अच्छा लड़े और नज़दीकी अंतर से ये चाइनीज बॉक्सर की ओर चला गया। दूसरे राउंड की शुरुआत से ही बीते ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट रही क्यूएन ने ताबड़तोड़ खेला और लवलीना के चेहरे पर सीधा मुक्का भी जड़ा। दूसरा राउंड भी उनके ही नाम रहा। हालांकि यहां भी बस एक ही जज ने क्यूएन को बेहतर बॉक्सर माना था, यानी मौका अभी भी था, लेकिन जरूरत के वक्त लवलीना अपना बेस्ट नहीं दे पाई और हार गई। उनकी हार के साथ ही ओलंपिक्स में भारतीय बॉक्सर्स का सफर भी खत्म हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।